हेलो गाइस, आज हम नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे विच इज़ स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखें सो किसी भी क्वेश्चन की स्टीरियो केमिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है। हम बेसिक को टच करते हुए एडवांस लेवल तक जाएंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइसोमर्स के साथ। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला हो। देखो ये जो है वो टू वर्ड्स से मिला है, आइसो और मर। आइसो मतलब सेम, मर मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला, उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, अनदर वन इज स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, सो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टीरियो आइसोमर्स है, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट डिफरेंट एटम टू एटम कनेक्टिविटी, क्या हो? डिफरेंट एटम टू एटम कनेक्टिविटी, एटम टू एटम कनेक्टिविटी। एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा विटी। सो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं C2H6O का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो सकता है, एक आपके पास मॉलिक्यूल आ गया ईथर और दूसरा अगर आप ले सकते हो अल्कोहल। OH, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एटम्स की कनेक्टिविटी देखें, ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी देखते हैं, सो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी कार्बन से हुई है और कार्बन से हुई है। और अगर इस मॉलिक्यूल में देखें तो ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी एक तो हाइड्रोजन से हुई है एंड दूसरी कार्बन से हुई है। सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है C2H6O बट डिफरेंट एटम टू एटम कनेक्टिविटी है। सो उनको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। यहाँ पे ये ईथर का एग्जांपल है, अल्कोहल का एग्जांपल है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, सो इनको हम फंक्शनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर की टाइप है। फर्दर हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे सी एल आ गया, यहाँ पे क्लोरीन जो है ऑर्थो पोजीशन पे है, और अगर मैं यहाँ पे लूँ सो सी एल आ गया, 1,3 पोजीशन है क्लोरीन की, मेटा पोजीशन पे है। और अगर हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं सो हमारे पास आ गया क्लोरीन, एंड क्लोरीन पैरा पोजीशन पे है। देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो रही है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो सेम ही है बट यहाँ पे ये देखो ये कौन से, ये डिफरेंट कार्बन के साथ कनेक्ट हुए हैं अब क्लोरीन। सो इनको हम क्या बोलेंगे? पोजिशनल आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होगा? आइसोमर्स हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इन द स्पेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्पेस। हम क्या बोलते हैं कि या तो बॉन्ड्स की अरेंजमेंट या फिर एटम्स या मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है स्पेस में। यहाँ पे कनेक्टिविटी भी सेम रहेगी, क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, सेम एटम टू एटम कनेक्टिविटी रहेगी बट डिफरेंट अरेंजमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की या फिर एटम्स की स्पेस में। एग्जांपल लेके देखते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास OHCl आया और यहाँ पे ये जो सॉलिड लाइन है यहाँ पे हाइड्रोजन है और डैश लाइन है यहाँ पे आपके पास मिथाइल ग्रुप आ जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम एक और मॉलिक्यूल लें सो यहाँ पे सॉलिड लाइन में आपके पास मिथाइल ग्रुप है एंड डैश में
हाइड्रोजन है. सॉलिड का मतलब क्या है? टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर. डैश का मतलब क्या है? अवे द ऑब्जर्वर. ठीक है. एंड ये जो ग्रुप हैं ये प्लेन में होंगे. सो यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी सब एटम्स की सेम है. ठीक है. यहाँ पे इस कार्बन से मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्लोरीन क्लोरीन. कनेक्टिविटी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट एटम्स की अरेंजमेंट या फिर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है. अब यहाँ पे टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर क्या है? मिथाइल ग्रुप है. सो इनको क्या बोलेंगे हम? स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे. ठीक है. एटम टू एटम कनेक्टिविटी तो सेम रहेगी, बट स्पेस में डिफरेंट कनेक्टिविटी होगी, या फिर बोलेंगे अरेंजमेंट डिफरेंट है मॉलिक्यूल्स की स्पेस में. अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की टाइप्स. सो स्टीरियो आइसोमर्स को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. वन इज कॉन्फ्यूग्रेशनल, अनदर इज कॉन्फर्मेशनल. ठीक है. कॉन्फ्यूग्रेशनल आइसोमरिज्म कैसे मिलती है हमें? बाय बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग. बाय बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आइसोमरिज्म शो करता है बॉन्ड मेकिंग से एंड ब्रेकिंग से. ये भी एग्जांपल लेके देखते हैं हम. सो देखो एट मीन्स यहाँ पे एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट होगी ये देखना है. अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली क्या किया जाता है? देखो ये ए मॉलिक्यूल है, ए को बी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अब हम? यहाँ पे मिथाइल अवे द ऑब्जर्वर है, यहाँ पे मिथाइल टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है. ठीक है. अब देखो पोजीशन सिर्फ इन दो ग्रुप्स की चेंज हुई है. अगर आप इन दो ग्रुप्स को पकड़ के रखो और इन दोनों की पोजीशन चेंज करने की कोशिश करो जो आपके पास है. आपके पास क्या है? यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके दूर जो है वो मिथाइल है. अब आपको ऐसे देखना है कि ये 180 डिग्री पे रोटेट करोगे दोनों ग्रुप्स को. यहाँ पे इन दोनों को पकड़ के रखो और इन दोनों को रोटेट करने की कोशिश करो. सो ये तो तभी रोटेट होंगे, पहले हमें बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद बॉन्ड बनाने पड़ेंगे. ठीक है. मीन्स यहाँ पे ये जो ए और बी हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्फ्यूग्रेशनल. ठीक है. कॉन्फ्यूग्रेशनल स्टीरियो आइसोमर्स बोल रहे हैं इनको हम. क्यों? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टू ग्रुप्स एक्सचेंज हो रहे हैं. कॉन्फ्यूग्रेशनल में जर्नली क्या होता है, टू ग्रुप्स एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशन. सो कभी भी टू ग्रुप्स एक्सचेंज करेंगे अपनी पोजीशन तो वो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी पहले, देन बॉन्ड मेकिंग होगी. ठीक है. उनको क्या बोलेंगे हम? कॉन्फ्यूग्रेशनल बोलेंगे. अगर हम कॉन्फर्मेशन की बात करें, सो कॉन्फर्मेशन में देखो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग नहीं होती है. यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स सिर्फ रोटेशन से और चेंज होते हैं या एक्सचेंज होते हैं. ठीक है. यहाँ पे आइसोमेरिज्म कैसे शो करते हैं? बाय रोटेशन ऑफ बॉन्ड, बाय रोटेशन ऑफ बॉन्ड्स, या फिर अगर हम बात करें रिंग फ्लिपिंग भी, रिंग फ्लिपिंग भी कॉन्फर्मेशन में ही आती है. रोटेशन ऑफ बॉन्ड, मैं अगर आपको एग्जांपल लेके बताऊं, सो यहाँ पे कोई बीआर है. ठीक है. अब यहाँ पे देखो कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, मिथाइल है, अवे द ऑब्जर्वर है, यहाँ पे क्लोरीन है. अगर हमने इसका और इसका रिलेशनशिप देखना है, यहाँ पे हमने मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया, एंड यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ गया. ठीक है. सो ये दोनों मॉलिक्यूल्स ए और बी में क्या रिलेशन है अगर ये हमें बताना है तो कैसे पता करेंगे? देखो इसमें क्या हुआ है कि एक बॉन्ड की या एक मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा है और बाकी तीनों को रोटेट किया है.
ठीक है, अगर एक बॉन्ड के थ्रू रोटेशन हुई है, मींस एक मॉलिक्यूल की पोजीशन जो है वो फिक्स्ड है और बाकी तीनों रोटेट हम कर सकते हैं, इजीली रोटेट कर सकते हैं, इसके लिए बॉन्ड ब्रेकिंग की या बॉन्ड मेकिंग की जरूरत नहीं होगी। सो इनको हम कॉन्फर्मेशनल बोलते हैं। आपने लोअर क्लासेस में सुना ही होगा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे एक्लिप्स फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म, गॉट फॉर्म, ठीक है। सो ये जो है ये कॉन्फर्मेशनल है। इनमें जनरली क्या होता है कि दो फॉर्म्स की एनर्जी ज़्यादा होगी किसी एक की, या फिर किसी एक की एनर्जी कम होगी, या फिर हम स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे फर्दर हमने क्या किया, देखो पिछले में क्या किया, स्टीरियो आइसोमर्स को डिवाइड किया कॉन्फ्यूग्रेशनल में एंड कॉन्फर्मेशन में। अब हम कॉन्फ्यूग्रेशनल पढ़ रहे हैं, कॉन्फ्यूग्रेशनल को फर्दर डिवाइड किया गया है इनेंशियोमर्स में एंड डायस्टीरियोमर्स में, ठीक है। इनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स, इनेंशियोमर्स में, इनेंशियोमर्स की अगर डेफिनेशन बताऊं, सो इनके पास नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होती है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हो, मिरर इमेज हो, उनको क्या बोलते हैं हम, इनेंशियोमर्स बोलते हैं। मिरर इमेज, ठीक है। यहाँ पे मिरर इमेज का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, नो मिरर इमेज, नो मिरर इमेज। एग्जाम्पल लेके देखेंगे, अगेन आपको समझ में आएगा। देखो नॉन सुपर इम्पॉसिबल का क्या है, अपने एक हाथ को लो, ठीक है, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख दो, ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, दूसरा हाथ रखेंगे सो जो हमारा थंब है उसके ऊपर लिटिल फिंगर फिंगर आ रही है और लिटिल फिंगर के ऊपर थंब आ रहा है, दैट मीन्स। और अगर हम मिरर में देखेंगे या अगर हम दोनों हाथ को आमने सामने रखें तो हमें क्या लगता है कि ये एक जैसे ही हैं, मीन्स इनकी मिरर इमेज तो है बट वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम देखें, सो सी ओ एच या सी एच ओ, सी एच ओ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओ एच ग्रुप, ओ एच ग्रुप को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सी एच टू ओ एच, सी एच टू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मीन्स ये क्या है, अब मिरर इमेज है, ठीक है, मिरर इमेज है। बट ऐसे इमेजिन करो, इसको पकड़ो, ऐसे ही पकड़ो, उठाओ और इसके ऊपर रखो, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा, दैट मीन्स ये क्या हुए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल हुए, ठीक है। सो जिनकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है, मिरर इमेज होती है, उनको हम इनेंशियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम डायस्टीरियोमर्स की बात करें, सो हमने बोला इनमें मिरर इमेज का कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। अगर हम कॉन्फ्यूग्रेशनल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, कनेक्टिविटी तो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे हम कॉन्फ्यूग्रेशनल की बात कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, सो एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, सिर्फ अरेंजमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखो, सो देखो ये ओ एच तो इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये ओ एच है, दैट मीन्स मिरर इमेज नहीं है। और अगर मिरर इमेज नहीं है तो ये क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स, ये क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए और बी में क्या रिलेशनशिप है, तो हम जल्दी से क्या देखते हैं कि ये ओ एच है, ओ एच को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला ओ एच भी ओ एच को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये भी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे, एकदम देख के बोल देंगे कि दे आर इनेंशियोमर्स, ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, बट एक्चुअल में ये इनेंशियोमर्स नहीं होते। आपको इनेंशियोमर्स देखने के लिए एक और बात करनी होगी, क्या इस वाले मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करो, इसको क्या करो आप, 180 डिग्री रोटेट करो। सो देखो ये वाला ग्रुप जो है ये ऊपर आ जाएगा सी ओ ओ एच, ये वाला ग्रुप जो है ये डाउन चला जाएगा, यहाँ पे ये क्या आ गया,
COOH, ठीक है। अब ये OH जो है, ये H ऐसे आ जाएगा और OH यहाँ पे आ जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या होगा, H आ जाएगा एंड OH आ जाएगा। अब इसको कोई सी मॉलिक्यूल नाम दे दो, ठीक है। अगर हम ए और सी की बात करें, सो ए एंड सी क्या है, इक्विवेलेंट कंपाउंड है। ए एंड सी तो एक ही कंपाउंड आ गए। अगर 180 डिग्री रोटेट करने के बाद ए वाला जो कंपाउंड है वो सी, ए और सी इक्विवेलेंट होते हैं, ये इक्विवेलेंट होते हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट इनेंशियोमर्स, ये इनेंशियोमर्स नहीं होंगे, इनको हम बोलते हैं होमोमर्स। ये क्या आ गया आपके पास, होमोमर्स, ठीक है। इनको हम मिजो कंपाउंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये अगर यहाँ पे हम कोई इमेजिनरीली प्लेन पास करते हैं तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे इसके दो असिमेट्रिकल सेंटर हैं, इक्वल हाफ में डिवाइड्स होता हो रहा है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मिजो कंपाउंड भी बोलते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट फर्दर, ठीक है। सो आपके पास क्या आ गए, ए एंड बी क्या आ गए आपके पास, होमोमर्स आ गए। अगर हमने नेक्स्ट यहाँ पे देखना है, सो हमें देखो ये कोई ए मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल है। अब इसके बीच में रिलेशन देखना है कि इनेंशियोमर्स हैं, डायस्टेरियोमर्स हैं या होमोमर्स हैं, ठीक है। सो अगर होमोमर्स तो आप सीधा ही ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी क्या है, COOH ग्रुप है, टॉप और बॉटम में सेम ग्रुप है। तो अगर 180 डिग्री का रोटेशन करोगे, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है इनेंशियोमर्स में और होमोमर्स में, सो अगर ये दोनों सेम ग्रुप है तो 180 डिग्री का रोटेशन करोगे तो जो मॉलिक्यूल आएगा वो ए के जैसा ही होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे CHO डिफरेंट ग्रुप है, दो ग्रुप क्या है आपके पास, डिफरेंट है, और यहाँ पे मिरर इमेज मिल रही है, ये क्या मिल रही है, OH को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये भी इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को, ठीक है। सो मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पॉजिबल मिरर इमेज है, दैट मीन्स ये क्या होंगे, इनेंशियोमर्स होंगे, इनेंशियोमर्स होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो, इसको 180 डिग्री पे रोटेट करो, क्या करोगे आप, 180 डिग्री पे रोटेट करोगे, सो ये वाला ग्रुप जो है ये ऊपर चला जाएगा, CH2OH ऊपर आ जाएगा एंड CHO नीचे आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर देखो, सो यहाँ पे आपके पास OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया। अब ए जो है इसको सी बोल दो, ए एंड सी इक्विवेलेंट नहीं है, दैट मीन्स ये क्या होंगे, इनेंशियोमर्स होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कायरल सेंटर के बारे में देखेंगे, कायरल सेंटर क्या होता है या फिर कायरल कार्बन क्या होता है, ठीक है। सो नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि ऐसे सेंटर विच कंटेन फोर डिफरेंट ग्रुप, सेंट्रल कार्बन के साथ अगर फोर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ये कोई कार्बन है, इसके साथ फोर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कोई ए बी सी डी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कायरल कार्बन बोलेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा कोई भी सेंटर जिसके सराउंडेड सराउंडिंग ग्रुप जो हों वो फोर डिफरेंट हो, उनको हम कायरल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब कायरल सेंटर जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हम जरूरी नहीं बोलेंगे कि अगर कहीं पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है सो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ये नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है। इट मे बी लिख रही हूँ मैं, मे बी ऑप्टिकली एक्टिव, कली एक्टिव, ठीक है। अब ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होती है, सबसे पहले तो वही रूल देखेंगे कि फोर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए सेंट्रल कार्बन के साथ, सेंट्रल कार्बन के साथ फोर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। और उसके बाद आपको देखना है कि एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री,
प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होनी चाहिए एंड सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होना चाहिए। इसको हम CI से डिनोट करते हैं। अब प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या होती है और सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या होती है ये हम देखेंगे। सो ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए तीन कंडीशन है। सबसे पहले क्या है कि फोर ग्रुप्स जो हैं सेंट्रल कार्बन एटम पे वो डिफरेंट होने चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमिट्री एंड एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ इन्वर्जन। सो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं और कौन से ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हैं। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आ गया। ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए सबसे पहले क्या आप देखना है, आपको काइरल सेंटर देखना है। फोर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ये टेट्राहेड्रल कार्बन का एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि POS प्रेजेंट है या नहीं है, प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है या नहीं है। सो प्लेन ऑफ सिमिट्री चेक करने के लिए आप क्या करोगे कि कोई इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। सो कोई वर्टिकल प्लेन भी ड्रॉ कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या फिर सारे एटम्स अगर एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस वहाँ पे POS प्रेजेंट होगी। यहाँ पे आप वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करके देखो या हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करके देखो, ये वाले मॉलिक्यूल्स आपस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट मींस यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं है, नो POS। सो ये जो मॉलिक्यूल होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें, सो ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ फोर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। ये वाला कार्बन देखो, इसके साथ भी फोर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, दैट मीन्स ये जो है ये काइरल कार्बन है। बट काइरल कार्बन को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। ऑप्टिकली एक्टिविटी चेक करने के लिए आपको POS चेक करनी पड़ेगी एंड सेंटर ऑफ इन्वर्जन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, सो एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करो। हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये वाला कार्बन इस कार्बन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये OH इस OH को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, COH COH को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मींस प्लेन पास करने के बाद ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गए हैं। सो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे POS प्रेजेंट है, POS सिग्मा प्रेजेंट है। अगर POS प्रेजेंट है तो ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक बार देखने से हमें क्या लगता है कि देखो ये ब्रोमीन डैश का मतलब क्या होता है कि अवे द ऑब्जर्वर है, या फिर हम बोलते हैं डाउन द प्लेन है, ठीक है। सो ये डाउन द प्लेन है। अगर यहाँ पे POS सॉरी इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करे तो ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे भी आप प्लेन ड्रॉ करके देखते हो, सो ये जो है बिलो द प्लेन होगा, ये अवे द प्लेन होगा, तो POS तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। सो हम क्या बोल देते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट एक्चुअल में अगर आपके पास ऐसा कुछ मॉलिक्यूल आ जाता है तो इसको आप ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, तो यहाँ से शुरू करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कार्बन, ठीक है। अब डैश का मतलब क्या होता है, डाउन, आप DD से याद रख सकते हो, डैश मतलब डाउन साइड होगा। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन डाउन साइड है, और अप साइड अगर कोई भी यहाँ पे और दूसरा एटम नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अगर हम सेकेंड पोजीशन देखते हैं, सो सेकेंड पोजीशन पे डाउन साइड पे क्लोरीन है और अप साइड पे आपके पास हाइड्रोजन होगा। अगर हम यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे देखें तो अप साइड पे ब्रोमीन है और डाउन साइड पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा, और यहाँ पे देखें तो अप साइड पे क्लोरीन है, डाउन साइड पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई प्लेन अगर हम पास करते हैं तो देखो, यहाँ पे अगर कोई प्लेन पास करते हैं तो मॉलिक्यूल या एटम से एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं,
मतलब पी ओ एस तो प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, सो हम बोल सकते हैं कि पी ओ एस तो एब्सेंट है। बट उसके बाद आपको चेक करना होता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन। सेंटर ऑफ इन्वर्जन कैसे चेक करोगे? आप यहाँ पे सेंटर से जहाँ जिस तरफ आपको एटम दिख रहे हैं उस तरफ जाना शुरू कर दो, ठीक है? सो आप पहले इस तरफ जा रहे हो, सो इक्वल डिस्टेंस पे आपको क्या मिल रहे हैं? ब्रोमीन मिल रहे हैं। मीन्स आप पहले ब्रोमीन की तरफ गए, फिर उसके ऑपोजिट साइड देखो, ऑपोजिट साइड इक्वल डिस्टेंस पे हमें ब्रोमीन ही मिल रहा है। लाइकवाइज आप इस तरफ जा रहे हो तो आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, और इसके ऑपोजिट साइड पे जाओ तो आपको क्या मिल रहा है? अगेन हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है? उसके बाद अगर हम इस तरफ जा रहे हैं और इस तरफ जा रहे हैं तो हमें इक्वल डिस्टेंस पे क्या मिल रहा है? क्लोरीन क्लोरीन मिल रहा है। और साथ में अगर इस तरफ जाओ तो हाइड्रोजन मिल रहा है, और अगर यहाँ पे सेम इक्वल डिस्टेंस पे जाए तो हाइड्रोजन मिल रहा है। अब इक्वल ऑपोजिट डिस्टेंस जाने पे आपको सेम ही एटम्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, ठीक है? इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन कैसे चेक करते हैं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी हमें फाइंड आउट करना है कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन है या नहीं है, ठीक है? सो आप सेंटर देखो, सेंटर के अगर आप इस साइड जा रहे हो तो आपको इक्वल डिस्टेंस पे नाइट्रोजन मिल रहा है, और इसके ऑपोजिट साइड इक्वल डिस्टेंस पे भी आपको नाइट्रोजन ही मिल रहा है। अगर आप ऐसे जा रहे हो सो यहाँ पे फ्लोरीन मिल रहा है, और इसके ऑपोजिट डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस पे आपको अगेन फ्लोरीन मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इसके इक्वल डिस्टेंस पे जाए तो नाइट्रोजन मिल रहा है, ऑपोजिट एंड इक्वल डिस्टेंस पे नाइट्रोजन ही मिल रहा है। बट अगर हम यहाँ पे देखें सो इस तरफ जा रहे हैं, एटम की तरफ जा रहे हैं हम, सो यहाँ पे हमें फ्लोरीन मिल रहा है, बट इसके अगर इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पे हमें फ्लोरीन नहीं मिल रहा, दैट मीन्स यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले सेंटर में जाओ, सेंटर में से इक्वल डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे क्लोरीन मिल रहा है, ऑपोजिट और इक्वल डिस्टेंस पे क्लोरीन क्लोरीन मिल रहे हैं। लाइकवाइज इस डायरेक्शन में जाओ तो हाइड्रोजन मिल रहा है, और इसके ऑपोजिट इक्वल डायरेक्शन में जाओ तो आपको हाइड्रोजन ही मिल रहा है। तो एक बार देखने पे हम क्या बोल देते हैं, और अगर हम यहाँ पे देखें सो यहाँ पे जाने से, या फिर यहीं से देखते हैं, यहाँ पे जाने से आपको देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे कार्बन मिल रहा है, बट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ तो आपको कार्बन नहीं मिल रहा है। या फिर हम यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे टॉप में जाने से आपको यहाँ पे CH2 ग्रुप मिल रहा है, बट यहाँ पे डाउन पे जाने पे आपको CH2 ग्रुप नहीं मिल रहा है, ठीक है? दैट मीन्स यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है। यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है। एक बार क्या करते हैं हम, ये भूल जाते हैं, हम सिर्फ एटम्स को देखते हैं, ये जो कार्बन है इनको भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से हम जल्दी से बोल देते हैं कि यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बट आपको हर एटम देखना है, यहाँ पे जो कार्बन है इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए भी नीचे कार्बन होना चाहिए था, या फिर ये वाला जो कार्बन है इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे इस तरफ भी कार्बन होना चाहिए था, ठीक है? यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है, दैट पी ओ एस भी नहीं है, यहाँ पे कोई प्लेन पास करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, पी ओ एस भी नहीं है, ठीक है? और अगर देखें तो ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। हम क्या बोलते हैं? दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है? अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ से अब सेंटर से इस एटम की तरफ जा रहे हैं तो क्लोरीन मिल रहा है इक्वल डिस्टेंस पे, ऑपोजिट साइड पे जाने पे हमें क्लोरीन ही मिल रहा है।
इसके ऑपोजिट साइड पे जाने पे हमें हाइड्रोजन ही मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जाओ, टॉप में जाओ तो CH2 ग्रुप मिल रहा है, इसके बॉटम में जाओ तो आपको CH2 ही मिल रहा है। अब यहाँ पे जाओ तब भी कार्बन मिल रहा है, यहाँ पे जाओ तब भी कार्बन मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्शन प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से ये वाला कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आई होप आपको सेंटर ऑफ इन्वर्शन देखना अब आ गया होगा। सो अब हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है। हमें बताना है कि ए और बी में क्या रिलेशनशिप है, या फिर हमें बताना है कि ए मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, और बी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, इन दोनों के बारे में बताना है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्लेन पास करें, सो ये भी अबव द प्लेन है, आई भी अबव द प्लेन है। सो यहाँ पे हमें POS मिल रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। सो ये क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं सो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे आयोडीन अबव द प्लेन है, यहाँ पे आयोडीन जो है बिलो द प्लेन है। सो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, यहाँ पे POS प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि POS प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, ये भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है, ये भी कंपाउंड जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है। ये हमें कैसे पता लगेगा, एक्चुअल में जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है इन दोनों मॉलिक्यूल की, ये कुछ ऐसी है, CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड आई, एंड आई आएगा एंड यहाँ पे CH3 आएगा, ठीक है। और इस मॉलिक्यूल की भी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी ही है, ये हमने डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखा है उसको। सो यहाँ पे आई आई, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड CH3 आएगा। सो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल ही है। अगर हम यहाँ पे प्लेन पास करते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें मिलती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है, सिग्मा प्रेजेंट है दोनों में, दोनों कंपाउंड्स इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं, दो असिमेट्रिकल सेंटर है, दो कायरल सेंटर है। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, मेजो कंपाउंड है, और दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, इनएक्टिव। बट अब इससे इसमें कैसे कन्वर्ट किया गया, इसको कौन सी रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, इसको कौन सी रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, इसके लिए हमें रिप्रेजेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन। सो रिप्रेजेंटेशन, द वे इन विच वी रिप्रेजेंट 3D मॉलिक्यूल इन 2D सरफेस या 2D पेपर, 3D रिप्रेजेंटेशन को हम क्या करते हैं, 2D पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं, या 3D मॉलिक्यूल को 2D पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है, वेज डैश, सोहोर्स, न्यूमैन एंड फिशर। वन बाय वन हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वेज डैश, सो यहाँ पे ये जो ए बी मॉलिक्यूल है, सॉरी ए बी और ये वाला जो कार्बन है, हम क्या बोलते हैं कि ये प्लेन में है, ये क्या है, इन द प्लेन, इन द प्लेन बोलेंगे। जो डैश में है डी मॉलिक्यूल, इसको बोलेंगे कि ये बिलो द प्लेन है, ये क्या है, बिलो द प्लेन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये अवे द ऑब्जर्वर, अवे द ऑब्जर्वर, ठीक है। और ये जो हमारे पास सॉलिड लाइन में है, ये जो हमारे पास सॉलिड लाइन में है कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट सी, इसको हम बोलते हैं कि ये अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन, या फिर हम बोलते हैं इसको कि ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ए बी में क्या रिलेशनशिप है, ए बी एंड बी में क्या रिलेशनशिप है, बी और सी में क्या रिलेशनशिप है एंड ए और सी में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप भी आपको क्या बताना है कि ये कॉन्फ्यूग्रेशनल है या फिर कॉन्फर्मेशन है। सो कॉन्फर्मेशन और कॉन्फ्यूग्रेशन का मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कॉन्फ्यूग्रेशन जहाँ पे बॉन्ड मेकिंग हो रही हो, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही हो, दो ग्रुप अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है। सो ए एंड बी देखते हैं, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे बी आर है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देखो, ये तीनों ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हुई है, तीन ग्रुप्स की पोजीशन एक्सचेंज हुई है, दैट मीन्स वो क्या होंगे, कॉन्फर्मेशन होंगे, मेशन होंगे, ठीक है। बी सी की बात कर लेते हैं। अब बी में देखो, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इन दोनों की पोजीशन चेंज हुई है, दो ग्रुप्स की पोजीशन एक्सचेंज हो तो उनको क्या बोलते हैं हम, कॉन्फिग्यूरेशन, बॉन्ड मेकिंग, और बॉन्ड मेकिंग से ही आइसोमेरिज्म शो करेंगे ये। और ए सी की बात करो, सो यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे सी एल, इन दोनों ग्रुप्स की पोजीशन अगेन एक्सचेंज हुई है तो इनको क्या बोलेंगे हम, कॉन्फिग्यूरेशन, ठीक है। सो हमने कॉन्फिग्यूरेशन और कॉन्फर्मेशन के बारे में पढ़ लिया। अब इनमें हम रिलेशनशिप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये इनेंशियोमर्स हैं या फिर आइडेंटिकल हैं, ठीक है। अगर तीन ग्रुप या चार ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई हो तो आप बोलोगे कि वो आइडेंटिकल हैं, वो कंपाउंड्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। और कॉन्फ्यूग्रेशनल में या तो क्या हो सकते हैं, वो डायस्टीरियोमर्स हो सकते हैं या फिर इनेंशियोमर्स हो सकते हैं। तो डायस्टीरियोमर्स और इनेंशियोमर्स में आप कैसे रिलेशनशिप निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, अगर एक ही कायरल सेंटर है तो आप क्या करोगे, आर एंड एस नोमेनक्लेचर देख लो। अगर आर एस में चेंज हो रहा है दैट मीन्स वो क्या होंगे, इनेंशियोमर्स होंगे, ठीक है। अगर आर एस में चेंज हो रहा है तो वो क्या होंगे, इनेंशियोमर्स होंगे। हम यहाँ पे आर एंड एस नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गई ही। जो ग्रुप का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको प्रायोरिटी फर्स्ट दी जाती है, देन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दी जाएगी, ब्रोमीन होगा, देन क्लोरीन होगा, देन आपके पास ऑक्सीजन आएगा, देन फोर्थ आएगा, ठीक है। अब रोटेशन देखो, यहाँ पे ये वाली रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, सो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एस कॉन्फिग्रेशन है, और यहाँ पे जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो बिलो द प्लेन ही होना चाहिए, ठीक है। सो एस है, अगर इसकी कॉन्फिग्रेशन देखें सो यहाँ पे वन आ जाता है, यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा, यहाँ पे फोर आएगा, ये रोटेशन कुछ ऐसी होगी, दैट मीन्स ये क्या है, अब क्लॉकवाइज रोटेशन है, आर कॉन्फिग्रेशन है। बट यहाँ पे देखो जो ग्रुप ये वाला है, फोर्थ पोजीशन वाला, वो अब द प्लेन आया हुआ है तो इसमें आर चेंज हो जाती है एस में, ठीक है। सो यहाँ पे भी ये क्या है, एस एस कॉन्फिग्रेशन ही आई। और अगर हम यहाँ पे देखें सो ये वन आ गया, ये टू आ गया, ये थ्री आ गया, ये आपके पास फोर आ गया। सो यहाँ पे देखो, ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, सो ये क्या होगी, एस होगी, बट एस चेंज किस में हो जाएगी, आर में, क्योंकि यहाँ पे भी फोर्थ ग्रुप अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन आना चाहिए, तो इसलिए कॉन्फिगरेशन चेंज कर दी। अब हमने बी और सी में रिलेशनशिप निकालना है। अब देखो, बी आर सॉरी एस चेंज हुआ है किस में, आर में। सो अगर एस चेंज हो आर में, कॉन्फिगरेशन चेंज हो रही है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स बोलते हैं, इनेंशियोमर्स बोलेंगे, ठीक है। अगर दो ग्रुप एक्सचेंज हो रहे हैं और एक ही असमेट्रिक सेंटर है तो वो हमेशा इनेंशियोमर्स होंगे, ठीक है। एक और अगर आर चेंज हो रहा है एस में, एस चेंज हो रहा है आर में, तो वो भी क्या होंगे, इनेंशियोमर्स होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यही आ गए, दो ग्रुप अगर एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशंस और वन एक ही असमेटिक सेंटर है तो वहाँ पे हमेशा क्या होंगे, वो दोनों इनेंशियोमर्स होंगे। अगर तीन ग्रुप एक्सचेंज हो रहे हैं तो होमोमर्स होंगे, चार ग्रुप एक्सचेंज हो रहे हैं तो भी होमोमर होंगे।
सो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है सोहोर्स रिप्रेजेंटेशन. सोहोर्स रिप्रेजेंटेशन में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, वाई, एक वाई ऐसे मिलेगा और एक वाई ऐसे मिलेगा. इसको हम बोलते हैं इरेक्ट वाई, इरेक्ट, एंड इसको बोलेंगे हम इन्वर्टेड. ठीक है, अगर ये दोनों वाई या तो इरेक्ट हों किसी मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन में, या फिर दोनों इन्वर्टेड हों. दोनों क्या है, अब या तो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो हम बोलते हैं जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो एक्लिप्स होगी. ठीक है, बट अगर किसी मॉलिक्यूल में एक हमें इरेक्ट वाई मिलता है और दूसरा हमें इन्वर्टेड वाई मिलता है, या पहला इरेक्ट होगा दूसरा इन्वर्टेड होगा, सो उस फॉर्म को हम बोलेंगे या उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे स्टैकर्ड. ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है. अब हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. देखो यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है. अगर आप ऑब्जर्वर व्यू कर रहा है यहाँ से, तो ये वाला कार्बन फ्रंट कार्बन होगा, ये वाला कार्बन बैक कार्बन होगा. ठीक है, अब अगर आप देखो सो आपको ये वाई और वाई दिख रहा है. अब ये दोनों वाई जो हैं वो एक जैसे ही हैं. ठीक है, दैट मीन्स अब ये जो बी है इसके पैरेलल में पी जो है, बी और पी ये इक्लिप्सिंग है ईच अदर के. ठीक है, और वैसे ही सी इस बॉन्ड के पैरेलल में देखो आ रहा है, तो ये आर और सी इक्लिप्सिंग है ईच अदर. एंड अगर ए के पैरेलल में देखो तो आपको क्यू दिख रहा है, तो ए एंड क्यू भी इक्लिप्सिंग टू ईच अदर है. ठीक है, दोनों वाई जो हैं वो उनकी डायरेक्शन एक ही तरफ है, दैट मीन्स ये वाली फॉर्म क्या होगी, एक्लिप्स होगी, एक्लिप्स होगी. ठीक है, और अगर आपको एक्लिप्स को चेंज करना है स्टैगर्ड फॉर्म में, तो कैसे चेंज करोगे, ये कार्बन के जितने भी एटम हैं उनको फिक्स रखो, एक कार्बन के एटम को फिक्स रखो, इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करो. अब जो रोटेशन करनी है वो आप 180 डिग्री की रोटेशन करो. यहाँ पे आप रोटेशन क्या करोगे, 180 डिग्री की. 180 डिग्री की रोटेशन में क्या होगा कि ये वाला आर जो है अब यहाँ पे चला जाएगा, ये क्यू जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, एंड पी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, सो ये वाले जो थे इनकी पोजीशन को तो हमने वैसे ही रखा, यहाँ पे सी था, यहाँ पे ए था, और यहाँ पे आपके पास बी था, और ये बॉन्ड के अराउंड हमने रोटेशन करी. सो अब देखो ये जो पी था वो इस साइड आ गया है, अब ये पी जो है वो यहाँ पे आ गया है. ठीक है, क्यू आपका यहाँ पे चला गया है और आर आपका यहाँ पे चला गया है. सो ये क्या आ गया आपके पास, क्यू आ गया, एंड ये आपके पास आर आ गया. अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि बी, अब बी के पैरेलल आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है ये क्यू, मीन्स ये दोनों एक्लिप्स नहीं हैं. इस फॉर्म को अगर आप देखो सो ये वाला वाई ऐसे है और ये वाला वाई ऐसे है, दैट मीन्स ये क्या है, एक इरेक्ट है एक इन्वर्टेड है. सो इस फॉर्म को आप क्या बोलोगे, स्टैगर्ड बोलोगे. इस फॉर्म को क्या बोलोगे आप, स्टैगर्ड फॉर्म बोलोगे. ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म कैसे मिली है हमने 180 डिग्री पे रोटेशन करी है. अब ये रिप्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट क्यों होती है ये देखते हैं. देखो एग्जाम में क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिप्रेजेंटेशन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है. ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म में ये आपके पास कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है और ये एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, बेसिक कंडीशन में रिएक्शन हो रही है. ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, आपको ये बात याद रखनी है, ये आपको अच्छे से रिएक्शन करी जाएगी. यहाँ पे बस रोल क्या है रिप्रेजेंटेशन का ये बताना मैं इम्पोर्टेंट समझ रही हूँ. ठीक है, सो अगर कोई एसिड प्रेजेंट हो तो वहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होती है, और अगर कोई बेस प्रेजेंट हो तो वहाँ पे सिन एलिमिनेशन होती है. ठीक है, ये एंटी और ये सिन क्या है ये हम देखेंगे अभी, और अगर बेस प्रेजेंट हो तो सिन एलिमिनेशन ही क्यों हो रही है ये देखेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगी OH मॉलिक्यूल की एंड SiMe3 की.
सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के सिन हैं, ठीक है, एक्लिप्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के एक्लिप्स हैं, तो दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगे, सिन होंगे। सो यहाँ पे अगर हम बेस डालते हैं, NaH डाल रहे हैं, सो क्या होगा, देखो बेस क्या करेगा, ये एसिडिक प्रोटोन है, एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे CH3 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। सो यहाँ पे आपके पास O नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें सो ये हाइड्रोजन वैसे ही रहेगा, यहाँ पे SiMe, अब ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है, सो मैं पैरेलल ही ड्रॉ करती हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मीन्स ये दोनों क्या है, एक्लिप्स फॉर्म में है। सो यहाँ पे SiMe3 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। अब क्या होगा, ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक 4-membered रिंग बन जाती है, और देखो जो बेसिक कंडीशन में 4-membered रिंग बन रही है, तो 4-membered रिंग तभी पॉसिबल होगी जब ये दोनों एक्लिप्स होंगे, ठीक है, अगर ये दोनों एक्लिप्स नहीं होते हैं, अगर ये एंटी होते हैं, सिन नहीं होते हैं, एंटी होते हैं, तब तो 4-membered रिंग बन ही नहीं पाएगी। सो इसीलिए यहाँ पे 4-membered रिंग बनेगी और ये यहाँ पे चला जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया आपके पास, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H आ जाएगा एंड यहाँ पे भी H आ जाएगा और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। सो या मैं आपको पूरा ही करके बताती हूँ, ये सबसे पहले आप 4-membered रिंग बना ही लो, यहाँ पे हमने ये क्या किया, 4-membered रिंग बना लेते हैं, ये यहाँ पे 4-membered रिंग बन गई, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे CH3 दिख रहा है आपको एंड यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है। अब दो देखो कि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड डिफरेंट कार्बन पे सेम साइड पे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हमें जो बी प्रोडक्ट मिल रहा है वो कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, सिस प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, सिस प्रोडक्ट मिल गया। अब ये ज़रूरी ही नहीं है कि अगर हम बेस डालेंगे, सिन एलिमिनेशन तो ज़रूरी है बट हमें सिस ही प्रोडक्ट मिलेगा, कहीं हमें एंटी प्रोडक्ट भी मिल सकता है, वो इस मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम एसिड की बात करें सो देखो अब यहाँ पे अगर एसिड प्रेजेंट है सो एसिड क्या करेगा, अब यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। सो एसिड के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कौन सी एलिमिनेशन होगी, एंटी एलिमिनेशन होगी, बट यहाँ पे ये दोनों ग्रुप सिन हैं तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल को रोटेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल ये क्या है 180 डिग्री पे के अराउंड यहाँ पे अगर हम रोटेशन करते हैं, ठीक है, सो रोटेशन करके देख लेते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ चला जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, 180 डिग्री की रोटेशन करने मैंने आपको बताई ही है, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे SiMe3 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, सो यहाँ पे आपके पास अब क्या आ गया, ये नीचे हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको OH मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको CH3 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये OH एंड ये SiMe3 ये एक दूसरे के एंटी हैं, ठीक है। सो एंटी सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे अटैक होगा H पॉजिटिव का, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास इसके पास लोन पेयर है, सो यहाँ पे H पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, दिस इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, तो क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और आपके पास आपको कुछ ऐसा
प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये सी एच थ्री इस साइड है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखो ये सी एच थ्री इस साइड है एंड यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिल रहा है। दैट मीन्स अब अक्रॉस द डबल बॉन्ड डिफरेंट कार्बन के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट क्या आता है, सी एच थ्री सी एच थ्री ट्रांस प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, सो ये एलिमिनेशन में आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा, एच एच सी एच थ्री। ये नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है पीटरसन ओलिफिकेशन। ओलिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आपको याद क्या रखना है कि अगर एसिड प्रेजेंट है तो एंटी एलिमिनेशन होगी, और अगर बेस प्रेजेंट है तो सिन एलिमिनेशन होगी। कहाँ पे, पीटरसन ओलिफिकेशन में। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें सो यहाँ पे देखो, अब ये हमें स्टैगर्ड फॉर्म मिली हुई है, स्टैगर्ड फॉर्म मिली हुई है। तो अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एच पॉजिटिव, यहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म मीन्स एंटी फॉर्म है, एसिड के केस में एंटी एलिमिनेशन होगी, एंटी एलिमिनेशन। सो यहाँ पे देखें, सो ओ एच और एस आई एम ई थ्री एंटी पोजिशन पे है, सबसे पहले यहाँ पे एच आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा सीधे ही, तो हम क्या करेंगे कि ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, और वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो हमें एंटी के केस में, सॉरी एसिड के केस में यहाँ पे हमें हाइड्रोजन है और यहाँ पे पी एच है, और यहाँ पे आपको पी एच मिल रहा है और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन है। सो यहाँ पे जो एक्चुअल प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें सिस मिल रहा है, पी एच पी एच एंड यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर हम बेसिक कंडीशंस में देखें सो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमें पता है सिन एलिमिनेशन होती है, एस आई एम ई थ्री और ओ एच हमें सिन चाहिए, सिन एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये E2 एलिमिनेशन होती है, सो हम क्या करेंगे कि रोटेशन करेंगे, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। सो हम ड्रॉ करके देखते हैं, यहाँ पे तो pH रहेगा, ये हमारे पास OH आ गया, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, ये तो वैसे ही रहेगा इस बॉन्ड के अराउंड, इस कार्बन को फिक्स करके हम रोटेशन कर रहे हैं। सो देखो अब आपके पास एस आई एम ई थ्री आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा और पी एच आपके पास यहाँ पे चला गया, ये हमने रोटेशन कर दी। अब ये एक्लिप्स फॉर्म में आ गए और यहाँ पे ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, अब सिन हो गए। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो बेस है वो प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सो यहाँ पे फोर मेंबर्ड रिंग बनेगी, यहाँ पे क्या होगी, फोर मेंबर्ड रिंग बनेगी, और ये जो है वो बॉन्ड इस तरफ चला जाएगा एंड यहाँ पे ये बाहर निकल जाएंगे, ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पे अगर हमें देखें सो प्रोडक्ट में यहाँ पे पी एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे पी एच है और यहाँ पे एच है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिला, यहाँ पे क्या मिला हमें, ट्रांस प्रोडक्ट मिला, पी एच पी एच एंड एच एंड एच। अब अगर हम इनको कंपेयर करते हैं सो यहाँ पे अगर इस मॉलिक्यूल में देखो सो आपको एसिड कंडीशन, एसिडिक कंडीशन में आपको एंटी एलिमिनेशन तो हो रही थी बट प्रोडक्ट जो है वो ट्रांस मिल रहा था। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको एसिडिक कंडीशंस में सिस प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एसिड प्रेजेंट है तो आपको सिस मिलेगा, सिस ही मिलेगा या फिर ट्रांस ही मिलेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन दी हुई है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर एसिडिक कंडीशन है तो आपको सिस प्रोडक्ट मिलेगा या ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।
अगर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा. सो आज हमने सोहर्स रिप्रेजेंटेशन तक कर लिया है. नेक्स्ट में न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन और फिशर रिप्रेजेंटेशन करेंगे और कन्वर्जन कैसे करते हैं ये सब कुछ देखेंगे. आई होप आपको अच्छा लगा हो लेक्चर. थैंक यू गाइस.